हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं परिवार IVF सेंटर जालंधर। ये होली फैमिली नर्सिंग होम और मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसको के पहले परमार हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, का एक यूनिट है। ये हॉस्पिटल निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हजारों निसंतान दंपतियां यहां से संतान सुख प्राप्त कर चुकी हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर मिसेस सुरजीत कौर से बातचीत की, जो कि डायरेक्टर हैं परिवार IVF सेंटर में। डॉक्टर मिसेस सुरजीत कौर काफी लंबे समय से इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वह एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑबस्ट्रिशियन हैं। उनके द्वारा बहुत बार जालंधर के ग्रामीण क्षेत्र में इनफर्टिलिटी कैंप्स का आयोजन किया जाता रहता है। आइए करते हैं बात डॉक्टर मिसेस सुरजीत कौर से और जानते हैं उनसे परिवार IVF सेंटर के बारे में। डॉक्टर सुरजीत नाल मेरी गल हुई, उन्होंने मैनू IVF करवा लिए क्या। हूँ IVF करवाने के बाद मेरे दो बच्चे हैं जो बहुत ही सही सलामत हैं। मैं भी तंदुरुस्त होकर उत्थे से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस जा रही हाँ। मैं इन्होंने डॉक्टर से बहुत ही माण है, इन्होंने मेरी बहुत केयर की है, इन्होंने स्टाफ बहुत ही चंगा है, मैं इन्होंने कदर करती हूँ। मेरी शादी का 16 साल हो गया है, इस दौरान हमारे कोई बच्चे नहीं हुए। हमने बहुत इलाज करवाया परंतु कुछ भी सफलता नहीं मिली। आखिर में हमें परिवार टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बारे में पता चला। हम यहाँ आए और डॉक्टर सुरजीत कौर ने हमें IVF करवाने का सलाह दी। उनकी सलाह पर विश्वास करके हमने अपना इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर सुरजीत कौर और उनकी टीम की कड़ी मेहनत से हमारा इलाज सफलता हुआ और मुझे संतान की प्राप्ति हुई। हमें डॉक्टर सुरजीत कौर और उनकी टीम के तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर सुरजीत कौर, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट परिवार IVF सेंटर जलंधर तो हाँ। मैं एक IVF सेंटर चला रही हाँ। मैं जलंधर विच पिछले 44 साल तो प्रैक्टिस कर रही हाँ और पिछले 20 साल तो मैं IVF के फील्ड आई हाँ। और मैं पूरा IVF इस फील्ड बहुत मेहनत करके अज अपना सक्सेसफुल IVF सेंटर चला रही हाँ। असी इस सेंटर के बीच सब तरह का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करीदा, जिद कि IVF ICSI और फ्रीजिंग है, स्पर्म्स की एग सी एम्ब्रियो सी, वो सब कुछ असं करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। और असी जो भी साढ़े को एक कपल आता है जिन्होंने कि प्रैगनेंट होने दे विच कोई दिक्कत आ रही है और अगर वो कपल यंग है जिन्होंने विआह नूं साल तो होया है तो उन्होंने असी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सब तो पहले असी अल्ट्रासाउंड करके देख लें कि उन्होंने यूटरस और ओबरीज वगैरह किस तरह है। ओबरीज ठीक है, उन्होंने पॉलीकस्ट है, कोई पॉलीसिस्टिक ओबरीज तो नहीं है। तो फिर उन्होंने असं कुछ हारमोन से टैसट अगर जरूरत होंगी है तो सजेस्ट करेंगे। ना ही असी बहुत दवाइया देने नाल ही आप एक एक्सरे वगैरह एडवाइस करीदा कि कहीं उन्होंने ट्यूब्स तो नहीं ब्लॉक है, जिन्ह करके उन्होंने जोड़ा एग ट्यूब्स के पहुँचता ही नहीं है। ना हसबेंड का चेकिंग कर देगा, हसबेंड के सीमन टैसट करीदा कि वो किन्ने एक्टिव स्पर्म्स है ताकि वो वाइफ वो प्रैगनेंट हो सके कि नहीं। और इस सब के नाल ही सब तो पहले तो एक IVF जो कपल आता है, इनफर्टिलिटी कपल जो भी साढ़े को आता है, असी उदो पहले उन्होंने बैठ के डिटेल हिस्ट्री करी दी है कि जो उन्होंने बिच कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, उन्होंने आपसी संबंध सही चलते पे हैं और वो रेगुलरली पूरे एक साल तो नाल ही रहते पे हैं कि नहीं रहते पे हैं। तो अकॉर्डिंग टू उन्होंने प्रॉब्लम्स से असं उन्होंने उसी तरह की सजेशन दे दिया है। और अगर उस कपल में उम्र 35 साल के करीब है या ज़्यादा हो गई है तो उन्होंने असं अगर 6 महीने ब्याह हो गया तो ही असं उन्होंने अगर प्रैगनेंसी ट्राई करने लिए एडवाइस करते हैं। अगर उन्होंने ट्यूब्स वगैरह ब्लॉक है तो कभी कभी असं उन्होंने लैप्रोस्कोपी वगैरह करते हैं, ना हिस्टरोस्कोपी करते हैं। हिस्टरोस्कोपी के असं यूटरस की अंदरली तह चेक करते हैं कि कोई अंदरों कितने जुड़िया तो नहीं है या कोई इनफेक्शन तो नहीं है। ना ही असी लैप्रोस्कोपी करते हैं जिद्दी असं देखते हैं कि ट्यूब्स उन्होंने खुलिया हुई कि नहीं है,
और ट्यूब्स ओबीसा आपस का रिलेशन नॉर्मल है कि जो तो एग रिलीज होता है तो ट्यूब ने एग नू चक करके ट्यूब्स राही बच्चेदानी तक ले जाना होता है। फिर असं यह देखते हैं कि पेशेंट कोई एंडोमेट्रोसिस नहीं है। एंडोमेट्रोसिस एक बीमारी है जिसे कि जो ब्लड होता है मैसेज का वो बच्चेदानी के बाहर ट्यूब ओवरीज जीडिया रैक्टम पैलविस की होर स्ट्रक्चरस है उन्होंने भी चल जाता है जोड़ा कि ट्यूब्स और ओवरीज को खराब करता है। अगर ओवरीज के उपर ज़्यादा ब्लड का जमा हो जाए तो अंडे भी ठीक तरह नहीं बनते हैं या उन्होंने क्वालिटी खराब होने लग पी है और ट्यूब ज़्यादा एडिशंस बन जाते हैं सारी स्ट्रक्चर जी पैलविस से आपस चिपक जाती है तो उसके नाल फिर जी ट्यूब्स अंडे नहीं चक पाया है और ट्यूब्स की पेटेंसी खराब हो जाती है उन्होंने मोटिलिटी खराब होती है। सो अगर लैप्रोस्कोपी के अगर उन्होंने कोई एंडोमेट्रोसिस स्पॉट्स है कुछ है और एंडोमेट्रोसिस की ग्रेडिंग होंगी अगर फर्स्ट और सैकेंड डिग्री एंडोमेट्रोसिस है तो उन्होंने असं कॉटराइज कर देता है और ट्यूब्स वगैरह अगर जो ब्लॉक नजर आ रही हैं तो असं उन्होंने कैन्यूलेट करके खोल देता है। पर फिर भी समटाइम जी है ये ट्यूब बिल्कुल ही हार्ड हो जानी है और पक्या ब्लॉक होनी है तो उन्होंने कंडीशन के पेशेंट को आईवीएफ वगैरह एडवाइस करना पड़ता है कि वह ट्यूब जो है बिल्कुल ही नकारा हो चुकिया। सैकेंडली असं यह देखना होंगे किसी कोई पेशेंट के ट्यूटर्स कोई रसवाइया तो नहीं है फाइब्रॉइड्स वगैरह ना हो अगर वो फाइब्रॉइड्स जोड़े है कि बच्चेदानी के अंदर मूव करते हैं तो वह बच्चे अंदर टीका नहीं देंगे तो उस कंडीशन भी असं उन्होंने एक फाइब्रॉइड्स की सर्जरी होती है मायोमेक्टी वगैरह वो करी दी है। जरूरी नहीं होंगे कि सारे फाइब्रॉइड्स कटने हैं कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि यूटरस के बाहरले पास होते हैं और वो प्रैगनेंसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो उन्होंने नहीं भी असं कटी देगा तो वही फाइब्रॉइड्स कटी दे जेडे कि बच्चेदानी के अंदरली तह छू रहे हो या उसकी कैविटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। फिर असं ये देखी था अगर हसबेंड के जिस स्पम्स के नुक्स है स्पम्स वो घट है तो फिर या उनकी मोटिलिटी वगैरह घट है तो उसके अकॉर्डिंग असं उन्होंने दे दी है दवाई दवाइया दे दें मेनली असं एंटीऑक्सीडेंट्स दे दिए कि जेडे कि असं रूटीन साडे बॉडी के कई ऑक्सीडेंट्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसके लिए सानू एंटीऑक्सीडेंट्स देने पड़ते हैं वो भी स्पम्स की मोटिलिटी और क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। अगर स्पम काउंट ही घट है तो उसके लिए भी हारमोन से टेस्ट करके पुरुष से तो फिर उन्होंने अकॉर्डिंग असं दवाइया या कोई इंजेक्शन वगैरह देने होंगे वो देने हैं। और अगर ये स्पम्स जो 5 मिलियन तो भी घट है तो फिर असी आईवीएफ और इक्सी की सलाह ले ली है तो इक्सी के जो स्पम्स है अगर थोड़े भी निकलते हैं और अगर लेडी के जो एग्स है 10-12 ही निकलते हैं तो असी उन्होंने इक्सी दे देना उन्होंने अंदर उस स्पम्स का इंजेक्शन लगा करके उन्होंने फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना के अंदर चढ़ा देना। दूसरा तरीका है कि कई बार जोड़े है हसबेंड के जोड़े है स्पम्स से निकलने की जी नाली होंगी वो ब्लॉक होंगी है स्पम्स बनते तो हैं पर अंदर ही ब्लॉक कर देते हैं उन्होंने कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक एजोस्पर्मिया। उन्होंने कंडीशन के असी टीजा यानी कि टेस्ट के नीडल पा के स्पम काट लेते हैं कभी कभी वही कि छोटी जी एक डक्ट होंगी है एपीडिडमस वो भी वह कलैक्ट होंगे है उस स्पम कलैक्ट होंगे बिफोर डिस्चार्ज तो वो भी स्पम कटी जाते हैं जिन्होंने कि असं पीजा कहते हैं। सो यह सारी विधियां के नाल असी जे एक इनफर्टाइल कपल दे जिन्हों बिल्कुल प्रैगनेंसी की होप नहीं है उन्होंने भी असी प्रैगनेंट कर सकते हैं उन्होंने वाइफ को प्रैगनेंसी हो सकती है और वो एक औलाद प्राप्त कर सकती हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अगर हसबेंड के कोई माइनरी प्रॉब्लम्स है 10 और 15 मिलियन के स्पम काउंट है जो कि आम WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से घट होता है तो उन्होंने IVF की जरूरत भी नहीं होती है उन्होंने असी IUI कर देते हैं थोड़ी जी एग बनाने दवाइया इंजेक्शन दे दिए तो नाल ही जो एग ड्राइव करके निकल वाला होता है तो उस वेले हसबेंड के स्पम्स सीमन में लैके उस स्पैशली कुछ कैमिकल्स होंगे वो पाए जाते हैं तो उन्होंने नाल फिर उस स्पम्स के वॉशिंग कहते हैं वो वॉश कर करके और कुछ उन्होंने कुछ देर इनक्यूबेटर में रख करके वो औरत यूटरस के एक पतली जी नाली के नाल चढ़ा देना एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर है जिसे खर्चा बड़ा ही घट आता है तो उसके नाल भी प्रैगनेंट होने काफ़ी ज़्यादा चांसिस होंगे। सो अज की तारीख के
कोई भी ये जड़े बच्चे दे चाहवान कपल्स है वो अपने आप को निराश ना करन और ये अभिशाप ना समझन। आज दी डेट दे विच बहुत सारा इलाज उपलब्ध है जो कि असीं उन्हां दा कर सकते हैं और उन्होंने भी मदद करके उन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट करन च हेल्प कर सकते हैं। जदों कि असीं ये डिसाइड कर लिया कि इस कपल का IVF ही करना पड़ेगा तो असीं उन्हें पहले देखीदा है कि जी उसकी औरत है उसकी अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि वो किस तरह की रिस्पोंस देने वाली उसके अंदर किन्ने अंडे हैगे है वो हाइपो रिस्पोंडर है नॉर्मल रिस्पोंडर है या हाइपर रिस्पोंडर है तो उसके हिसाब से असीं उसके ब्लड वगैरह चैक किया ही होंगे है और उसके हिसाब से असीं उन्होंने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं जो कि मैसेज जो दूसरे या तीसरे दिन चालू होंगे है और करीबन 8 से 10 दिन तक चलन लगते हैं और उन्होंने इंजेक्शन के नाल औरत जे 8-10 अंडे जोड़े है वो तैयार हो जाते हैं और थोड़े 10 से 15 तक भी हो सकते हैं और उन्होंने अंडिया जो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं एक फाइनली इंजेक्शन लगता है उससे 36 घंटे बाद जो फॉलिकल मेच्योर हो जाते हैं उन्होंने जो अभी अल्ट्रासाउंड ट्रांसवर्जन अल्ट्रासाउंड थ्रू नीडल के नाल उन्होंने एग्स को कट लेता है। यह एग्स कटन तो बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं जो कि इन्हों एग्स को स्पर्म्स के नाल मिक्सिंग कर करके और उन्होंने एम्ब्रियो बनाते हैं उन्होंने एक स्पैशल इनक्यूबेटर में रखा जाता है। यह सब कुछ स्पैशल IVF लैब या स्पैशल प्रयोगशाला के बीच होता है जिथे कि फिर उन्होंने कल्चर किया जाता है और उसके बाद उन्होंने देख लेंगे कि 18 घंटे बाद देखते हैं कि एग फर्टिलाइज हो कि नहीं हो तो उन्होंने देखने के बाद ये जो एम्ब्रियो बनते हैं हम तो इन्होंने फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखता है कि अभी इन Day 3 से या Day 5 से कदों इन्होंने यूटरस के ट्रांसफर करना है। कभी Day 3 से क्लीवेज स्टेज होती है उसके बीच भी असं एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं और Day 5 से ब्लास्टोसिस्ट बना के फिर असं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के ऊपर भी एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से एम्ब्रियो थोड़ा जहा बड़ा हो जाता है और उसके जो प्रेगनेंट होने के चांसेस जो है लेडी के बढ़ जाते हैं तो इस करके आजकल ब्लास्टोसिस्ट ही ज़्यादा ट्रांसफर करी गई है। तो कुछ पेशेंट होते हैं जो हाइपर रिस्पोंडर हो जाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एग्स बन जाते हैं तो उन्होंने उन्होंने जो एम्ब्रियोज जो है बना करके असं फ्रीज कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उस टाइम तक जी उन्होंने अपने बच्चे चिल्ली और तो और एम्ब्रियोज का आपस तालमेल नहीं रहता हारमोन की इनबैलेंस हो जाता है तो उन्होंने अभी फ्रीज करके रखते हैं और नैक्सट साइकिल के बीच प्रॉपरली अंदर ही चिल्ली तैयार करके फिर असं उन्होंने अंदर एम्ब्रियोज ट्रांसफर करेंगे। जिड़े भी बचे हुए एम्ब्रियोज है उन्होंने असं फ्रीजिंग करते हैं जिन्हों की क्रायो फ्रीजिंग कहते हैं और एम्ब्रियोज में असं काफ़ी अनलिमिटेड टाइम तक इन्होंने रख सकते हैं काफ़ी देर तक रख सकते हैं और एक बार इस एम्ब्रियोज लैन तो बाद पेशेंट अपने 2-3 साइकिल करा सकता है अगर एक साइकिल उसका फेल हो जाए और अगर वो एक साइकिल के बीच सक्सेसफुली हो गया और प्रेगनेंसी हो गई तो अपने एम्ब्रियोज बचा के रख सकते हैं और जो उन्हों का पहला बच्चा 2 साल का हो जाए तो दोबारा एम्ब्रियोज पा के दोबारा प्रेगनेंट हो सकते हैं दोबारा उन्होंने फिर IVF कराने की जरूरत नहीं होती है। आज की डेट जिस तरह की लड़कियाँ हैं उन्होंने ब्याह की उम्र बढ़ती जाती है 35 साल तो उपर हो जाती है और यह देखा गया है कि अपने कंट्री के बीच औरतों के जोड़े ओवरी है ओवरी का रिजर्व है अंडे है वो वैसटर्न कंट्री के नालों भी 6 साल पहले ही कमजोर पैन लग जाते हैं और अंडिया की संख्या उन्होंने घट होने लग पैंती है। इस करके जिड़ी की लड़कियाँ पढ़ाई करके या किसी अपने प्रोफेशन करके प्रेगनेंसी लेट करना चाहती हैं तो अपने एग नू फ्रीज भी कर सकती हैं तो उन्होंने भी उसी तरह इंजेक्शन लगा के जो उन्होंने एग्स तैयार होंगे है तो उन्होंने कट के स्पैशल जो थर्मस है क्रायो फ्रीज करने क्रायो कैंस कहते हैं वह क्रायो कैंस के असं फ्रीज करके रख देने और जो उन्होंने डिजायर हो कि असं हम असं प्रेगनेंसी चाहते हैं अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तद वो अपने उस वेले उन्होंने पार्टनर जो फाइनल हो जाता है तो वो अपना मिल के उन्होंने एग्स में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना करके फिर असं उन्होंने प्रैगनेंट कर सकते हैं। इस तरह हसबेंड है जोड़े उन्होंने भी स्पर्म्स की फ्रीजिंग की जा सकती है और उन्होंने भी काफ़ी देर तक रखा जा सकता है
और कभी कभी तो हस्बैंड ने बाहर जाना है तो अपने स्पर्म फ्रीज करा के चले जाते हैं, और जबकि जो एक महीने दो महीने के बीच जो वाइफ रेडी होती है वो एग तैयार होते हैं तो उसे इसी करके वही स्पर्म्स के नाल उसे एम्ब्रियो बना के तो वो पाया जाता है। सो परिवार IVF सेंटर के बीच एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग सारी फैसिलिटीज है। इतने फुल फ्लैश IVF सेंटर है और बहुत अच्छी जी है डॉक्टर्स की और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की और काउंसलर की टीम है जो कि पेशेंट को काउंसलिंग करती है और पेशेंट को पूरा फॉलोअप करा। मैं पंजाब प्लस जी टीम है उन्हों का धन्यवाद करती है और मैं सोचती हाँ कि मेरी इस लैक्चर के नाल कुछ इनफर्टिलिटी कपल्स का कुछ फायदा होएगा और जो भी इनफर्टिलिटी कपल्स अगर सू मिलना चाहते हैं तो परिवार IVF सेंटर आकर के संपर्क कर सकते हैं। परिवार IVF सेंटर शहीद उधम सिंह नगर के। थैंक यू।